जब हम फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो ऊपर का ऊपर और नीचे का बराबर रखते हैं, जब भाग माइनस करते हैं तो भी ऊपर का माइनस कर दिया और नीचे का बराबर रखा, मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने के टाइम भी ऊपर का ऊपर से गुणा और नीचे का नीचे से गुणा, जब भाग करते हैं तो फिर से गाड़ी कर देते हैं, उल्टा करने के बाद गुणा करते हैं, है ना? ऐसा क्यों? 6/8 मान लीजिए, इसको अगर हमें भाग देना है और मैं अगर लिख दूं कि 3/2, क्योंकि 6 को 2 से भाग दिया तो 3, 8 को 4 से भाग दिया तो 2, क्या ये गलत है? सही है? आप तो कह रहे मैथ का रूल है कि उल्टा करके गुणा करिए, क्या मतलब आपका कहना है कि कुछ कुछ जगह गलत है, थोड़ा करके देखिए। जब पहली बार मैंने देखा ये, तब मुझे अभी 40 साल की उम्र में, तब मुझे पहली बार लगा कि ये बनाया ही क्यों गया ऐसे, उसके कारण होंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों को सरल चीज क्यों नहीं बताते हैं कि जिस तरह से आप गुणा करते हैं उसी तरह से आप भाग भी कर सकते हैं, उत्तर बिल्कुल सही आएगा, एक ही बात है। और हमने एक नया नियम बना दिया, उल्टा भी करो और गुणा भी करो। अरे भाग हो रहा है तो भाग ही कर लो पहले। एंड आई सर्च दिस ऑल अक्रॉस द इंटरनेट, पूरा ढूंढा, कहीं पर भी मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। अब जब मैं ये बात देखता हूं तो मुझे लगता है हमारे स्कूल में थोड़ा बहुत ये खिचड़ी भी के साथ ये नमक वाली चीजें डाल देनी चाहिए।